दुनिया सिकुड़ सी गई है। पहले होता था कि किसी चीज का लॉन्च यूएसए में आज होता था तो 2 साल बाद कोई मिल जाता था। अभी एप्पल का जो लेटेस्ट आईफोन है जब लॉन्च हो रहा है विदेश में कहीं भी इंडिया में तो समझ नहीं पड़ा। इसलिए रुकने का कोई जरूरत नहीं है। कल वाली बात चली गई, सब कुछ आज हो रहा है। बात तो मैंने कहा यस नो। दूसरी बात जो उसी का एक्सटेंशन है, कल आज बन चुका है क्योंकि दुनिया से खुल सी गई। इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि जेनरेशन गैप कम होता जा रहा है। पहले अपने पिताजी के साथ मेरा जेनरेशन गैप था, अभी दो मेरे जो बच्चे हैं उन दोनों में 5 साल का गैप है, लेकिन छोटा बेटा बड़े बेटे से अलग है। फॉर एग्जाम्पल बड़ा बेटा जो अभी कॉलेज के थर्ड ईयर में है, छोटा अभी क्लास 10 में है। मेरा बड़ा बेटा उसको अपना मोबाइल फोन तब मिला जब वो क्लास 10 पास कर चुका, छोटे को मोबाइल फोन क्लास 6 में मिल गया है ना। बड़ा बेटा कंप्यूटर गेम्स खेलना चालू किया था क्लास 9-8 के बाद, छोटा वाला तो क्लास 2 से ही कंप्यूटर गेम्स खेल रहा है। बड़ा बेटा ब्रांड्स के बारे में पापा ये जूता चाहिए कि वो कमीज चाहिए क्लास 9 के बाद बोलता था, ये छोटा वाला तो ब्रांड पूरा घुसता ही नहीं था। जनरेशन गैप जो है कम होता जा रहा है। देखिएगा इसका क्या क्या महत्व है बाद में देखिएगा। कहां शहर खत्म होता है और कहां गांव शुरू होता है ये समझना बड़ा मुश्किल है। मानते हो आप अगर सफर करो रोड से ट्रेन से कहीं से भी, कहां शहर खत्म हो रहा है कौन सा गांव है, एक्सेप्ट फॉर कोहली जो कि दिल्ली का है, गंभीर जो दिल्ली का है, ज्यादा बच्चे लेकिन छोटे शहर से। अगर आप उत्तर प्रदेश देखो पहले बॉम्बे बेंगलोर कर्नाटका ये सब राज्य ट्रैफिक जाम करता है। लास्ट 10 साल में कितना बार उत्तर प्रदेश चैंपियन हुआ होते हैं? तो चूंकि ये बच्चा किसी यूपी के गांव में है इसका कोई मतलब नहीं है कि वो सपना नहीं देखेगा। अगर आप रियलिटी शो देखो आजकल डांस इंडिया डांस सारे गामा कुछ भी, कुछ कुछ ऐसे जगह से बच्चे आते हैं जिस जगह का हमने नाम नहीं सुना है कि नहीं। तो विभिन्न कारणों के कारण अभी बच्चे सपने देखने लगे, बच्चों के साथ माँ बाप जाने के सपने देखने लगे है ना। लेकिन आजकल के बच्चे आजकल के माता पिता वो कहां पर है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके बियॉन्ड वो सोचते हैं सपना देखते हैं। मैं जब आज स्टेशन से रेस्ट हाउस आ रहा था सबसे ज्यादा होर्डिंग मुझे दिखा ज्वेलर्स का। अगर 10 होर्डिंग हमने देखे होंगे कम से कम 4 या 5 तो ज्वेलर्स के थे। जरूर कोई ना कोई ज्वेलर यहां से ख्वाहिश देख रहा होगा, वो कानपुर का ही नंबर वन नहीं होगा, शायद किसी दिन यूपी का नंबर वन बनेगा, किसी दिन उत्तर भारत का नंबर वन बनेगा और किसी दिन भारत का केरला में त्रिशूर करके एक जगह वहां से एक ज्वेलर पूरा अमिताभ बच्चन के परिवार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया कल्याण ज्वेलर। ख्वाब देख रहा है कि इंडिया का नंबर वन ज्वेलर। आपने त्रिशूर का नाम सुना? काफी लोगों ने शायद नहीं। अगर मैप में पॉइंट करने दिया जाए ज्योग्राफी का जैसे आता था परीक्षा में, शायद हम लोग सब गलत हो जाए।
लेकिन जो बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि किसी को छोटे नजर से मत देखो। आज कोई भी एडवर्टाइजर छोटा हो सकता है, ये नहीं जान ये जानना बहुत जरूरी है कि वो ख्वाब क्या है। उसका सपना अगर सार्थक करने में हम उसका साथी बन सके तो हमारे साथ रहेगा। ये सोचा